हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोग का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लिक्विड सिंदूर। तो लिक्विड सिंदूर जो है आप 5 रुपये में अपने घर पे अपने हाथों से स्वयं बना सकते हो। तो वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हो लिक्विड सिंदूर को, जो कि आपको मार्केट में 100 रुपीज़ से कम नहीं मिलेंगे। आप केवल 5 रुपये में आप अपने घर पे आप अपने सामने कैसे उसको बस 5 मिनट में ही आप उसे बना सकते हो और लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा। आप क्योंकि अपने आप से बनाओगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या मिले हुए हैं। आपके हेयर के लिए, आपके सर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये सिंदूर, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत रहेगा। बिल्कुल रेड कलर का रहेगा और साइन के साथ रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कैसा बनाया मैंने। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सिंदूर को बनाने के लिए, बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा इस बार। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को फिर के द्वारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना सभी एकदम फ्री है दोस्तों, कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है बहुत सारा मोटिवेट, जिससे अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने लिक्विड सिंदूर को कैसे बनाया है। तो सिंदूर बनाने के लिए पहले एक खाली कंटेनर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। और ये है सिंदूर, जो कि ये पाउडर फॉर्म में आता है, लोग इसे लगाते हैं। और ये अक्सर देखा गया होगा कि ये जब गर्मियों में हम लगाते हैं तो पसीने के कारण ये निकल आता है, बिल्कुल जो है फैल जाता है। तो ये जो है आपको 5 रुपये में मार्केट में मिलता है। तो अभी मैंने उसको जो है एक कंटेनर में मैंने निकाल लिया है। ये सिंदूरदानी है खाली, तो इसमें मैं डाल रही हूँ आलमंड ऑयल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आलमंड ऑयल ही यूज करो, आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन का भी यूज कर सकते हो। तो आलमंड ऑयल जो होता है हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, आपके हेयर को मजबूत करता है। और उसके बाद मैंने डाल लिया इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आपके हेयर को सिल्की बनाता है और स्मूथ बनाता है, साथ ही आपके डैंड्रफ को भी निकालने में काफ़ी सहायक होता है। तो इन जो है तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस तरह जो है मिक्स करने पर एक लिक्विड सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो लिक्विड वाली जो सिंदूर का कंटेनर होता है, अगर वो आपके पास खाली कंटेनर है तो आप उसमें भी जो है इसे स्टोर करके रख सकते हो। इसका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सिंदूर का खाली कंटेनर रखी हूँ, उसमें भी रख के दिखाती हूँ। और ये जिसमें मैंने बनाया है वो भी एक सिंदूरदान है, तो उसमें भी आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप इसमें ही रखो। तो आप जो कॉटन से आप जो है इसे लगा सकते हो। तो इस तरह मैं इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, थोड़ा इसमें और थोड़ा सिंदूरदान में ही रहने देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने रख दिया है। अभी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल जो है शाइन करता हुआ और लाइट। और इसका कलर बिल्कुल जो है डार्क मरून कलर नहीं रहेगा, बिल्कुल रेड रहेगा और साथ ही शाइन भी करेगा। तो ये जो मार्केट में मिलता है अक्सर जो है बहुत ज़्यादा डार्क रहते हैं, और इस तरह आप बनाओगे तो बहुत अच्छा कलर खिल के आता है। तो अभी देख सकते हो कि मैंने कंटेनर में थोड़ा जो है ट्रांसफ़र किया और थोड़ा सिंदूरदान में रखा है जिसमें मैंने बनाया है। तो इस तरह आप जो है इसमें से भी आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इस तरह के कंटेनर में ही रखो। तो अभी जो है मैंने दो तरह से बनाया, एक सिंदूर में एक जो है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी?